तो हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में सुबह की पूजा पाठ हो गई, अच्छी तरीके से पूजा पाठ हो गई। मैंने व्रत नहीं रखा है और 12 बजे के बाद अन्न जल कुछ ग्रहण करेंगे दोपहर 12 बजे के बाद, वो भी सात्विक बनाकर बिना लहसुन प्याज का। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, आप सभी हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर ब्लॉग का कोई पार्ट आप सभी को पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हरतालिका तीज हो गया, कल हो, तो चलिए एक लाइन से सारे पूजा त्यौहार आने वाले हैं, आप सभी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा हमारे ब्लॉग्स में। तो चलिए जो भी रहेगा आज का रूटीन, मैं आप सभी के साथ जो भी बन पाएगा आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो आप सभी देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो थोड़ा सा आराम करते हैं बैठ करके, अभी पूजा पाठ सम्पन्न हुआ है और थोड़ी देर में देखेंगे तो रोटी बनाएंगे अपने लिए, रोटी और सब्जी। तो चलिए इसी तरीके से आज का दिन शुरुआत हो गया है, अब हमें इसी अंधेरे में बनाना पड़ रहा है खाना। खाना बनाते बनाते लोड सेडिंग हो गया तो फ्लैश लाइट ऑन करके बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं पराठा, बाकी सभी के लिए बन रहा है दाल चावल और आलू पत्ता गोभी की सब्जी। मतलब इतना दिक्कत हो जाता है ना इस रसोई में, बिजली चला जाए तो कुछ दिखता नहीं है, इतना तो बना लिए, एक और है सेक लेते हैं। इस तरीके से कढ़ाई में ही बना रहे हैं जिससे कि इसमें सब्जी भी बना लेंगे, दो चार पराठे के लिए तवा नहीं किया हमने। तो देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक तो बिजली नहीं आया, सब्जी भी बना लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, जीरा का तड़का लगाते हैं, एक पत्ता की लाल मिर्च छोंक देते हैं, बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बना रहे हैं आलू और पत्ता गोभी का। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को हमने बारीक बारीक कट करके बॉईल कर लिया था, यानी कि ब्लांच कर लिया था, जिससे कि इसमें जरा भी थोड़ा सा गंध रहे, अभी इसका सीजन नहीं है तो इसमें गंध आता है, तो बॉईल कर लेने से एक बार दो तीन मिनट के लिए इसका गंध चला जाता है, कम हो जाता है, चला तो नहीं जाता है और गैस भी नहीं बनता है खाने से, इस वजह से हमने बॉईल कर लिया है। आलू को यहाँ पर भून करके फिर मसाले भी भुनेंगे, जो कि है ग्रेट किया हुआ अदरक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, यही सारा कुछ मसाला इसमें जाएगा, साथ ही दो टमाटर भी जाएगा। तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, सब्जी बना लेंगे तो मेरा काम रेडी हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा रसोई घर का। और इधर दाल चावल भी बन गया है, आलू यहाँ पर देख सकते हैं लाल लाल फ्राई हो गया है, लाल लाल आलू फ्राई हो गया है, मसाला भी भून लेते हैं। नमक भी डालकर भूनते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, साथ ही ये भी डाल देते हैं पत्ता गोभी। अच्छे से भून करके बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, सूखा सूखा सब्जी बनेगा इसका। तो यहाँ पर सब्जी अच्छे से भून गया है मसाले के साथ, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा गरम मसाला डालते हैं, उसको ढक कर पकाते हैं। थोड़ा और पानी डाल दिया हमने, गरम मसाला पाउडर, पूरा सब्जी हमने फ्लैश लाइट पर ही बना लिया, बिजली अभी तक नहीं आया है। इसको अच्छे से पका लेते हैं पानी सूखने तक, बिल्कुल ही पानी नहीं रहेगा, सूखा सूखा सब्जी बनेगा। लग रहा है कि हो गया है, इस तरीके से सूखा सूखा यह सब्जी रहेगा,
बहुत ही बेहतरीन है सब्जी बना है, देख सकते हैं। सब्जी बनकर तैयार है, गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं, बाहर निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है रसोई घर में। ढक कर छोड़ देते हैं, फटाफट फ्लेम ऑफ करते हैं। तो इधर रोटी बन गया है और सब्जी में इधर चने का घुगनी हमने बनाया है बिना प्याज वाला, और इधर बना रहे हैं तुरई की सब्जी बिना लहसुन प्याज का, ये भी है इसका भुजिया बना रहे हैं। तो यही आज का खाना पीना है और दूध चढ़ा हुआ है एक तरफ। तो आज के खाने में यही बन रहा है, चना का घुगनी है, मिर्ची डालकर बनाए हैं।